अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन एक्सप्लोर पीके से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुसैनाबाद की फ़ूड स्ट्रीट पे, और हुसैनाबाद की फ़ूड स्ट्रीट पे इस वक्त मेले का समय है। यहाँ पर बाकायदा गवर्नमेंट ने अभी बाकायदा इसको फ़ूड स्ट्रीट डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन बहुत बड़ी फ़ूड स्ट्रीट बन चुकी है इस वक्त कराची की। यहाँ से जब दाखिल होते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में सीधे हाथ से अगर शुरू करें तो बन कबाब वाला बैठा हुआ है, फिर उसी लाइन में आगे तो ये भी बैठा हुआ है, और फिर फूड सेंटर जो बंस रोड की मशहूर बिरयानी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। फिर इसी तरीके से गौसिया बिरयानी, गौसिया फालूदा और बहुत सारी ब्रांड्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए हम आपको चेक कराते हैं कि यहाँ पर किस किस्म के खाने मौजूद हैं। जल्दी पहले हम ट्राई करेंगे कराची आइसक्रीम, और कराची आइसक्रीम जो है यहाँ पर समले कंपटीशन चल रहा है कराची आइसक्रीम का और मक्का आइसक्रीम का। तो बिल्कुल मैं भी अल मक्का आइसक्रीम और कराची आइसक्रीम के पास हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा रश जो है वो कराची आइसक्रीम पर है। तो जाके हम थोड़ा सा देखते हैं कराची आइसक्रीम का, फिर आपको बताते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आगे जो है गौसिया चरगा जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो आज हम वहाँ जाएंगे और जाकर ट्राई करेंगे गौसिया चरगा, फिर आपको बताएंगे कि क्या सुविधा है। जनाब, तो इस वक्त खाना आ गया है, सामने मौजूद है। तो खाना सामने मौजूद हो तो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रहा है ये चरगा। ये आप देखें, थोड़ा सा क्लोज करके आपको आइडिया होगा कि क्या सूरत हाल है चरगे की। और बहुत बेहतरीन मुझे लग रहा है, इस वक्त रहा नहीं आ रहा मुझे, और मैं अभी आपको चक्कर बताता हूँ कि चरगे की सूरत हाल क्या है। ये थोड़ा सा मसाला साइड पे इन्होंने दिया है लगा के, और साथ में ये प्याज लगाएं और चटनी लगा के। बेहतरीन, ज़बरदस्त जनाब। इसके बिल्कुल अंदर तक जो है चिकन के जो पीसेस हैं उसके अंदर तक मसाला फिल हुआ हुआ है, और बहुत अच्छा गला हुआ है पूरे जायके के साथ। नमक मिर्च ये वो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और साथ में चटनी है और प्याज है, ये फुल मज़ा दे रही है जनाब। चरगे का जो आइटम है वो मैंने तकरीबन दो तीन जगहों से खाया है, और अजीब तवाक़ है कि अब तक जो मैंने खाया है ये मुझे सबसे अच्छा बेस्ट लग रहा है। इसका मसाला कुछ ज़्यादा अच्छा है, और साथ में इन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ और ककम्बर प्याज ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। चटनी जो इसके साथ मौजूद है वो अमूमन सीख कबाब और बारबेक्यू आइटम जो होते हैं उसके साथ जो चटनी लोग इस्तेमाल करते हैं, इमली की चटनी होती है, थोड़ा सा इसके अंदर मिंट भी डाला हुआ है, तो ये ज़्यादा मज़ा कर रही है इसके साथ। जनाब, गौसिया चरगा हमने खाया, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका था उसका। बहुत, जैसा कि आपने रिव्यू में देखा, बहुत बेहतरीन था। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर आएँ, तशरीफ़ लाएँ और गौसिया चरगा ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।